गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट DIY स्लीपिंग मास्क शेयर कर रही हूँ। स्लीपिंग मास्क हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, हमारी स्किन में काफी अच्छा ये वर्क करता है। स्लीपिंग मास्क हमेशा रात में ही यूज किया जाता है। स्लीपिंग मास्क हमारी स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट, सॉफ्ट, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज बनाएगा। आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची रहती है, बहुत ज्यादा ड्राई है, डैमेज हो गई है, तो आप ये वाला स्लीपिंग मास्क जरूर ट्राई करें। आपकी स्किन को ये हील करेगा, आपकी स्किन में काफी अच्छा ये ग्लो लाएगा, आपकी स्किन को ये रिपेयर करेगा, आपकी स्किन ढीली हो गई है उसे ये टाइट करेगा, आपकी स्किन में ये इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी स्किन को ये 1-2 शेड लाइट करेगा और आपकी स्किन आपको काफी ज्यादा क्लीन, क्लियर, लाइट, ब्राइट लगेगी। जब आप इसे रोजाना रात में यूज करोगे आपको खुद अपनी स्किन में काफी अच्छा फर्क नजर आएगा। ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के हिसाब से मैंने बनाया है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तरबूज का एक पीस लिया है। तरबूज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट, हेल्दी, स्पॉटलेस बनाता है। तरबूज को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया, उसका जूस मैंने अलग कर लिया। आप तरबूज की जगह खीरा यूज कर सकते हो, टमाटर का जूस यूज कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल हो फ्रूट वो आप फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप टमाटर लोगे तो भी काफी ज्यादा अच्छा है। मेरी स्किन पे तरबूज सूट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे तरबूज का स्लीपिंग मास्क बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक खाली कंटेनर ले रही हूँ, उसमें मैं 2 चम्मच जितना तरबूज का जूस यूज कर रही हूँ। हमारी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, उसे धीरे धीरे फेड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। हमारी स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसे ये मिनिमाइज करता है। एक्स्ट्रा ऑयल को ये रिमूव करता है, ऑयल के प्रोडक्शन को ये कम करता है। हमारी स्किन बिल्कुल भी छिपछिप नहीं लगती, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती। हमारी स्किन के रंगत को ये निखारता है, हमारी स्किन को काफी ज्यादा गोरी, निकरी, बेदाग, चमकदार बनाता है। बात फिर मैं आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आपके पास जो एलोवेरा जेल है वो आप यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह वाटरमेलन जेल यूज कर सकते हो, ऑरेंज जेल यूज कर सकते हो, पोमेग्रेनेट जेल यूज कर सकते हो, खीरे का जेल यूज कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करी, जो मैं यूज कर रही हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना पतंजलि का जेल ले रही हूँ। जो आपकी स्किन पे सूट होता है वो आप जेल ले सकते हो, पर आपको प्लांट से तोड़ के फ्रेश एलोवेरा जेल यूज नहीं करना है क्योंकि आप इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना एलोवेरा जेल लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1 विटामिन ई की कैप्सूल यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह विटामिन ई का ऑयल यूज कर सकते हो या फिर आप बादाम का ऑयल भी यूज कर सकते हो। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 यूज कर रही हूँ। सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ग्लिसरीन यूज कर रही हूँ। ग्लिसरीन हमारी स्किन को काफी ज्यादा शाइनी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। यहाँ पे मैं 1/2 से 1 चम्मच जितना ग्लिसरीन यूज कर रही हूँ। जिनकी ऑयली स्किन है वो इसमें 3-4 ड्रॉप जितना ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं। के बाद फिर मैं यहाँ पे गुड वाइव्स का टी ट्री इसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह लेमन इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। आपके पास जो इसेंशियल ऑयल है वो आप यूज करो। जिनकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो टी ट्री इसेंशियल ऑयल जरूर यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 3-4 ड्रॉप जितना टी ट्री इसेंशियल ऑयल यूज किया। उसके बाद फिर मैंने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। ये स्लीपिंग मास्क पूरी तरह से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो सेम मार्केट जैसा है। आपकी स्किन में काफी अच्छा ये वर्क करेगा, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको इसे रोजाना अपने फेस पे अप्लाई करना है 3-4 ड्रॉप जितना। फिर आपको 1 मिनट तक के लिए मसाज करनी है, फिर आपको एक बहुत ही अच्छी मीडियम सी लेयर लगा लेनी है, फिर आपको सो जाना है। फिर आप अपना फेस मॉर्निंग में ठंडे पानी से वॉश कर लो। आप ऐसा रोजाना यूज करो, आपको खुद अपनी स्किन में काफी अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन आपको काफी ज्यादा क्लीन, क्लियर, लाइट, ब्राइट लगेगी। आपकी स्किन में आपको खुद एक नेचुरल सा ग्लो नजर आएगा। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं खुद अपने हाथ पे आपको यूज करके दिखा रही हूँ। ये आपकी स्किन में बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं करता। आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ये कसावट लाता है। आपको इसे रोजाना रात में अप्लाई करना है, मॉर्निंग में आपको ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। आप ऐसा यूज करोगे ना आपको खुद अपनी स्किन में काफी अच्छा ग्लो नजर आएगा। आपके फेस पे आपको इंस्टेंटली ही ग्लो नजर आएगा, आपकी स्किन को काफी ज्यादा ये क्लीन, क्लियर, लाइट, ब्राइट, हाइड्रेट बनाएगा। जब आप इसे यूज करोगे ना आपकी स्किन में आपको काफी अच्छा कूलिंग सा इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन को ये अंदर से हाइड्रेट करता है। आप इसे रेगुलरली यूज करोगे ना आता एंटी एजिंग से ही आपको छुटकारा दिलाता है। आपकी स्किन को काफी ज्यादा खूबसूरत, बेदाग, जवा बनाता है। आपकी स्किन में आपको काफी अच्छा फर्क नजर आएगा। स्लीपिंग मास्क स्पेशली रात में ही यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे ऑल एज ग्रुप के हिसाब से बनाया, मेल फीमेल दोनों इसे यूज कर सकते हैं। यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। आप इसे यूज करें, ये आप घर पे बनाए और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।